Good morning, students. How are you? I am your teacher, and today we are going to learn the subject English. So you have to open English textbook part 1. In previous lecture, we have seen animals are friends. मतलब प्राणी हमारे दोस्त होते हैं, जानवर हमारे दोस्त होते हैं. ओके और आप लोगों ने एक स्टोरी देखी जिसमें एक छोटी बच्ची है नीना, जो एक मैगज़ीन उठाती है और मैगज़ीन से कुछ आर्टिकल्स पढ़ती है, कुछ न्यूज़ पढ़ती है, जिसमें उसको अलग अलग स्टोरीज एनिमल्स के बारे में पता चलती है. हम लोग उसको सिर्फ एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं. नीना ने पहली कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? एक हाथी की. एक सिद्धा नाम का हाथी है, जो एक साइड में, एक जब गड्ढा होता है रोड के साइड में, उसमें वो गिर जाता है और उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है. फिर डॉक्टर्स उसकी बहुत मदद करते हैं, ट्राई करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसका इंटरनल इन्फेक्शन होने की वजह से वो हाथी जो है वो कुछ दिनों में ही मर जाता है. दूसरा, यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी आप लोगों ने देखी है, नीना ने जो पढ़ी है वो स्टोरी ये है कि एक लियोपार्ड मतलब एक चीता जो है वो चीता अपने कुएं में गिर जाता है और कुएं से फिर उसको गांव के लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उस चीते को उस कुएं से कैसे बाहर निकालते हैं, उसकी स्टोरी हमने देखी है. फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक और स्टोरी देखी है कि जहाँ पे एक एनजीओ होता है, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अलग अलग तरीक़ों से जो बाहर जो जानवर होते हैं, जो बीमार होते हैं या तो फिर डरे हुए होते हैं या तो फिर जिनको घर से निकाल दिया जाता है, ऐसे जो जानवर होते हैं उनकी मदद करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो इन जानवरों की मदद करते हैं और उनको शेल्टर मतलब सहारा देने की कोशिश करते हैं. तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए. जब भी कोई आपको ऐसा जानवर दिखता है जो कि बीमार है या तो फिर बहुत डरा हुआ है, तो उस जानवर को हेल्प करनी चाहिए, उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए, या तो फिर उसको कोई एक ऐसा घर बना के देना चाहिए छोटा सा आंगन में कहीं पे, कि जहाँ पे वो जानवर जो है वो रह सके. ओके स्टूडेंट्स, सो हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं स्टूडेंट्स, ओके, जिसके आंसर्स आपको मुझे बताने हैं. ओके, व्हाट डिड नीना डू वन संडे मॉर्निंग, मतलब इसका मतलब क्या है कि नीना संडे मॉर्निंग को उसने क्या किया. वेयर डिड सिद्धा फॉल, जो हाथी है वो कहाँ पे गिरा. व्हाट हैपेंड टू हिज लेग्स, और उसके पैरों को क्या हुआ. हु हर्ड द लियोपार्ड्स क्राई, What did he do? Leopard मतलब चीते के चीखने की आवाज़ किसने सुनी और उसके बाद उसने क्या किया. When did people start discussing cruelty to animals? लोगों ने cruelty to animals मतलब जानवरों पर होने वाले अत्याचार के बारे में कब डिस्कस करना स्टार्ट किया. ये सभी आंसर्स आपको, आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें वो आंसर्स दिए हैं, उसके आंसर्स आपको बताने होंगे मुझे लिखकर या तो फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके. ओके, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, न्यू वर्ड्स दिए हैं, तो उसका मीनिंग आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे डिच, एनजीओ, वेट्स, इंटरनल, रेस्क्यू ऑपरेशंस, एड, अडॉप्शन, अबंडेंट, नर्स. तो जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जब दिया था उसमें ये वर्ड्स के मीनिंग बताए थे, तो आपको वो मीनिंग यहाँ पे लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं. एक और एक्सरसाइज यहाँ पे है, हाउ, और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. हाउ डिड द आर्मी एंड वाइल्ड लाइफ SOS हेल्प सिद्धा. तो आर्मी और वाइल्ड लाइफ SOS ने सिद्धा को
किस तरह से बचाया, किस तरह से हेल्प की. ओके, हु हेल्प द लियोपार्ड गेट आउट ऑफ द वेल, हाउ डिड दे गो इट. ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि चीते को कुएं से निकालने में किन किन लोगों ने मदद की और वो कैसे मदद की. नेक्स्ट, वॉट डिड द पीपल कंसर्न अबाउट एनिमल क्रुएल्टी स्टार्ट डूइंग एंड व्हाई. जो लोग जानवरों पर होने वाले अत्याचार के बारे में कंसर्न थे, मतलब जिनको बुरा लगता था, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया और क्यों, उसका रीज़न क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडिकोस डू. ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडिकोस, ये लोग क्या करते हैं, उनका क्या काम है, ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है. रीड एंड आंसर. मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत सारे जानवर जो है पूरी दुनिया में डेंजर में है, मतलब खतरे में है. दे आर डाइंग, वो मर रहे हैं. रीड अबाउट सम ऑफ दीज एंडेंजर्ड एनिमल्स. फील इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड लर्न व्हाई द एनिमल्स आर एंडेंजर्ड. ट्राई एंड गेस विच एनिमल्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड. इसका मतलब है, आगे एक एक्सरसाइज आने वाली है जिसमें ऐसे कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है जो जानवर खतरे में है, उनकी पूरी की पूरी प्रजाति जो है वो खतरे में है. सो हमें क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस है और फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको समझना है, पढ़ना है और यहाँ पे लिखना है. तो मैं एक एक डिस्कस करूँगा, आप ध्यान दो और उसके बाद यहाँ पे लिखो. ओके, तो यहाँ पे टाइगर दिया है और ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे टाइगर और ब्रैकेट में दिया है पोशंस और मेडिसिन. यहाँ पे सी टर्टल मतलब टॉर्टोइस, टॉर्टोइस टॉर्टोइस मतलब कछुआ. तो उसके ब्रैकेट में क्या दिया है, प्लास्टिक बैग्स एंड एग्स. ब्लू बटरफ्लाई, उसके ब्रैकेट में दिया है फार्म हाउसेस. ओरेंगोटैन मैन और फॉरेस्ट. और राइट व्हेल फिशिंग नेट्स एंड शिप्स. तो ये हमें क्या करना है, साइड में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं तो हमें वो मैच करना है कि कौन सा सेंटेंस किस एनिमल के लिए मैच करता है. ओके, तो हम एक वन बाय वन रीड करते हैं. डैश एंड डैश हैव बीन बिल्ट ओवर एरियाज वेयर द लूपिन वाइल्ड फ्लावर ग्रोज. लूपिन इज इसेंशियल फूड आइटम फॉर मेनी लार्वास. सो फ्लावर्स किसके लिए इसेंशियल होते हैं, कौन बताएगा मुझे स्टूडेंट्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो किसके लिए काम आते हैं, तो वो काम आते हैं बटरफ्लाई के लिए. वेरी गुड. तो अब हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फार्म्स हाउसेस, वो हम इस फिल इन द ब्लैंक्स जो भी यहाँ पे डैश है वहाँ पे वो हम भरेंगे. तो देखो अब कैसे होगा, फार्म्स एंड हाउसेस हैव बीन बिल्ट ओवर एरियाज वेयर द लूपिन वाइल्ड फ्लावर ग्रोज. तो ऐसी जगहों पे फार्म्स और हाउसेस बनाए गए हैं जहाँ पे ये वाइल्ड फ्लावर जो होते हैं, ल्यूपिन वाइल्ड फ्लावर्स जो होते हैं, जो फूल होते हैं वो वहाँ पे फूलते हैं. ओके, सो हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ बटरफ्लाई. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, ब्लू बटरफ्लाई. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज. आई ऑफन गेट स्टक इन और कोलाइड विथ. मैं अक्सर अटक जाता हूँ और या तो फिर किससे टकरा जाता हूँ. सो ऑयल स्पिल्स एंड ओशन पोल्यूशन आर मेजर प्रॉब्लम्स टू. तो समंदर में कौन कौन रहता है, कौन बताएगा मुझे, इन प्राणियों में से, इन जानवरों में से समंदर में कौन रहता है, तो
तो यहाँ पे दो एनिमल्स हैं जो समंदर में रहते हैं, एक तो ये सी टर्टल है और दूसरा ये राइट व्हेल है। सो यहाँ पे दिया है ऑयल स्पिल्स एंड ओशन पोल्यूशन आर मेजर प्रॉब्लम्स टू। ओके, तो अब इसका क्या मीनिंग है कि ऑयल स्पिल्स मतलब जो सी है, जो हमारा समंदर है, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है। सो वो पोल्यूशन जो है, वो पोल्यूशन ये एनिमल्स के लिए, ये जानवरों के लिए हार्मफुल है। तो कौन हो सकता है यहाँ पे? सो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए राइट वेल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई ऑफन गेट स्टक इन फिशिंग नेट्स और कोलाइड विथ शिप्स, या तो फिर शिप्स के साथ मैं टकरा जाता हूँ। सो हु एम आई? आई एम राइट वेल। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट, पीपल हंट मी सो दैट दे कैन यूज माई बोन्स। ओके, लोग मुझे ढूंढते हैं ताकि वो मेरी हड्डियों का इस्तेमाल कर सके। डैश फिल इन द ब्लैंक एंड डैश ऑल्सो टू मैनी ट्रीज इन माई हैबिटेट हैव बीन कट डाउन फॉर टिम्बर। ओके, मेरे एब्सेंस में बहुत सारे ट्रीज जो है उसको भी कट किया जाता है, तो मैं कौन हूँ? कौन हो सकता है वो एनिमल? कौन बताएगा मुझे? वो एनिमल है टाइगर। सो पीपल हंट मी सो दैट दे कैन यूज माई बोन्स इन पोशंस एंड मेडिसिंस। सो ये जो टाइगर की जो हड्डियाँ है वो मेडिसिंस और दवा बनाने में काम आती है, तो इसीलिए टाइगर को, टाइगर का शिकार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ओके, तो हु एम आई? सो आई एम टाइगर। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आई एम टाइगर। ओके, नेक्स्ट, माई नेम मीन्स डैश ऑफ द डैश। आई एम वाइल्ड एनिमल बट आई एम ऑफन कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज अ पेट। वैसे तो मैं एक जंगली जानवर हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही घरों के लिए बेच दिया जाता है, तो मैं कौन हूँ? सो माई नेम मीन्स, माई नेम मीन्स, तो यहाँ पे एक हमें एनिमल दिखाई दे रहा है, माई नेम मीन्स मैन ऑफ द फॉरेस्ट। सो माई नेम मीन्स मैन ऑफ द फॉरेस्ट। सो ऐसा कौन है, कौन सा एनिमल है? सो यहाँ पे ओरंगोटैन दिखाई दे रहा है। सो ओरंगोटैन को हम कहते हैं मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, सो हु एम आई? आई एम ओरंगोटैन। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट है, आई ऑफन चोक ऑन फ्लोटिंग लिटर सच एज डैश एंड बलून्स विच आई मिस्टेक फॉर जेली फिश ऑल्सो माई डैश आर टेकन फॉर फूड। तो अभी तो सिर्फ एक ही एनिमल बचा है, तो वो एनिमल कौन सा हो सकता है? वो एनिमल है सी टर्टल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? आई ऑफन चोक ऑन फ्लोटिंग लिटर सच एज प्लास्टिक बैग्स। सो प्लास्टिक बैग्स पर मैं अक्सर तैरा जाता हूँ। ओके, एंड बलून्स, तो बलून के ऊपर भी मैं तैरता हूँ, विच आई मिस्टेक फॉर जेली फिश। सो वो जेली फिश को ऐसा लगता है कि मैं जो है उसके ऊपर तैर रहा हूँ। ऑल्सो ऑल्सो माई एग्स आर टेकन फॉर फूड। वैसे मेरे अंडे भी जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैं कौन हूँ? सो हु एम आई? आई एम सी टर्टल। वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब कुछ यहाँ पे लिखना होगा और मेरे साथ शेयर करना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर एनिमल्स? हाउ डू यू थिंक देयर वर्क हेल्प्स द वर्ल्ड? जो
ऑर्गेनाइजेशंस है, जो संस्थाएं हैं एनिमल्स को बचाने के लिए, उनका क्या गोल है, उनका क्या टारगेट है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं और उससे दुनिया को कैसे फायदा हो सकता है। ओके, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। इफ़ यू कुड डू समथिंग नाइस फॉर एनिमल्स, व्हाट वुड यू डू? अगर आप जानवरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप क्या अच्छा करोगे, आपको क्या अच्छा करना लगता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया गया है। ओके, सो ये एक्सरसाइज में अगर आपके घर में कोई जानवर है, ओके, लेकिन आप उस जानवर को अब पालना नहीं चाहते हो, तो आप एडवर्टाइज करोगे कि ये जानवर आप ले जा सकते हो, तो आप क्या लिखोगे? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लिली इज 4 मंथ ओल्ड, सो ये लिली है, ये 4 महीने की है। शी इज़ स्वीट, कडली एंड फियरलेस, वो बहुत स्वीट है, बहुत बोल्ड है, स्ट्रांग है। शी इज़ जिंजर किटन लुकिंग फॉर लविंग होम, सो वो एक घर के लिए एक घर ढूंढ रही है। ओके, कैन यू हेल्प हर फाइंड अ होम, तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? अगर हाँ तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर और ईमेल एड्रेस, तो फिर आप उनको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या तो ईमेल एड्रेस कर सकते हैं। ओके, तो आपको भी एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप आपको ये लेसन जो है एनिमल्स रिलेटेड वो समझ में आया होगा, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जानवर हमारे दोस्त होते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।